Good morning, students. Today we are going to revise the chapter, The Era of Harsha, means the time period of Harshavardhan Empire. After the Gupta dynasty, the country was divided into small kingdoms. And at that time, Vardhaman dynasty started increasing its power under the ruler Prabhakar Vardhana. Prabhakar Vardhana was a great king, and under that king, Vardhana dynasty came to power. Prabhakar Vardhana ruled from 580 CE to 605 CE. He established a large kingdom, and he was succeeded by his son Rajyavardhana. Rajyavardhana was killed by ruler of Bengal, that is Shashank. Prabhakar Vardhana main king tha, aur Prabhakar Vardhana ki death ke baad Rajyavardhana king bana, unke jo bete the wo king bane, but wo bhi zyada time tak king nahi ban sake, unhe Bengal ke king Shashank ne kill kar diya in a battle. Okay, after that Harshvardhan, the younger brother of Rajyavardhan, Rajyavardhan ka chota bhai the Harshvardhan, to wo king bane in the age of 16 years. Harshvardhan was just 16 years old when he came to throne. Aur इस टाइम पीरियड के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? वी गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रॉक एडिक्ट्स. इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो रिटन मटेरियल है, कॉइन्स उस पर किसकी पिक्चर्स हैं, और जो रॉक एडिक्ट्स हैं, रॉक पर रिटन वर्क है, उनसे पता चलता है कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, किस तरह की सोसाइटी थी, किंग ने कहाँ कहाँ रूल किया, किन एरियाज़ को कनकर किया. ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम कॉइन्स, रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. एट दैट टाइम सो मैनी चाइनीज ट्रेवलर्स केम टू इंडिया एंड दे राइट ट्रेवलर नोट, ट्रेवल अकाउंट और ट्रेवल नोट्स दे हैव रिटन. सो वन ऑफ देम वॉज Hian Tsang. He was a Chinese traveler and he wrote travel account. And in this travel account, he just told about the working of Harsha and the empire of Harsha. Harshcharita was written by Banbhat. Banbhat was a पोइट ऑफ हर्षवर्धन कोर्ट, तो उसने हर्षवर्धन के लिए एक बुक लिखी हर्षचरिता, और हर्षवर्धन ने खुद भी बुक्स लिखी. ही हिमसेल्फ रोट द बुक्स लाइक प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न प्रियदर्शिका, नागनंदा एंड रत्नावली. दीज बुक्स आर रिटन बाय हर्षवर्धन. और हर्षचरिता किसने लिखी? इट वॉज रिटन बाय बाणभट्ट. ओके, नाउ लेट्स गेट द नॉलेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन. ही वॉज अ पावरफुल किंग एंड ही हैज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम. His ministers were known as amatyas or sachivs, and he divided his area into small provinces. Pure area ko usne small parts mein divide kar diya tha, and these small areas were known as provinces or bhuktis or desh. These desh or bhuktis
further divided into small parts that those are called विषयास. एक बड़े एम्पायर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब इन स्मॉल पार्ट्स को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, तो जो भुक्तिज और देश थे उन्हें फर्दर आगे विषयास और प्रदेश में डिवाइड कर दिया. जैसे हमारे सिटीज़ में होता है, वार्ड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह से. और प्रोविंस का हेड कौन था? द हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज उपारिका. कीप इट इन माइंड, प्रोविंस का हेड उपारिका. और उपारिका का वर्क कौन चेक करता था? उपारिका महाराज और कुमार मात्य, हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस. एरिया का हेड उपारिका और उपारिका का वर्किंग चेक करने के लिए उपारिका महाराज. और उपारिका महाराज कौन होता था? मेनली वो प्रिंस होते थे, यानी कि किंग के अपने बेटे होते थे, जो चेक रखते थे कि सभी वर्क प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं. ओके, विलेज में पंचायत थी और हर पंचायत का हेड ग्रामिक था. ग्रामिक लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ विलेजेस. देयर वर अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो टू हेल्प द ग्रामिक, सेम एज पंच एंड सरपंच. के सरपंच हेड है तो उसके साथ पंच भी हैं जो वर्क करते हैं. हर्षवर्धन बिल्ट टेम्पल्स, चैत्यास, विहार्स, धर्मशालाज, स्कूल्स एटसेट्रा. एंड देर वॉज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी दैट वॉज कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट रिलीजन, हिंदू रिलीजन वॉज द मेन रिलीजन एट दैट टाइम. हर्षा हिमसेल्फ वॉज द डिवोटी ऑफ शिवा. शिव का भक्त थे वो और शिव और सूर्य की वर्शिप करते थे. ऑन द कॉइन्स देयर आर इमेजेस ऑफ पार्वती एंड सूर्य. बट व्हेन हर्षा केम इनटू कॉन्टेक्ट विद ह्यान त्सांग, ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. स्टिल ही वॉज अ ग्रेट tolerance power and he was tolerant towards other religion also. Firstly, he was the follower of Surya and Shiva. After that, he became the follower of Buddhism. ठीक है, ह्यान त्सांग से पहले तक यहाँ पर हिंदुइज्म को फॉलो किया जा रहा था और जब वो ह्यान त्सांग के कॉन्टेक्ट में आया तो उससे इन्फ्लुएंस हुआ, उसका असर आया एंड ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. बट कोई भी रिलीजन लेने के अलावा के बावजूद ही वॉज रिलीजियस टॉलरेंस, वो बाकी सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था. ओके, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, दीज आर द मेन टू पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दैट पीरियड. ये टू पार्ट्स थे, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, विष्णु को मानने वाले और शिव को मानने वाले. ओके, एंड हर्षा हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस एट प्रयाग. प्रयाग में हर्षा खुद एक कॉन्फ्रेंस करते थे और आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. और इसमें ही गेव आर्म्स टू नीडी पीपल. जितने भी गरीब लोग थे उन्हें वो दान देते थे. And it happened after every 5 years. अलाहाबाद में जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मर्ज होती हैं at the संगम. Here he just organize a conference. Social condition. Society was divided into 4 varnas. We have learnt it. Learned about it in previous chapters. कि 4 वर्ण से सोसाइटी में, विच आर दीज? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ब्राह्मण्स वर एट द हाइएस्ट पोजिशन, दे
led a life of luxury, a respectful life, and other people also lived harmoniously. Shudras did not have a good position. They had to live outside the town. Shudras jo the, they were the slaves. तो उन्हें सर्व करने के लिए कहा जाता था, सेवा करने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए, क्लीनलीनेस का वर्क करने के लिए. सो दे हैव टू लिव आउटसाइड द टाउन. इकोनॉमिक कंडीशन, पीपल वर प्रॉस्परस एंड हैप्पी. बहुत समृद्ध, अमीर थे और खुश थे. एंड ट्रेडिंग वॉज फ्लोरिश्ड. कपीशा वॉज द ट्रेडिंग सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर था कपीशा. एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. एंड वी हैव टू पे द 1/6 ऑफ द टैक्स. पूरे प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट एज अ टैक्स हमें पे करना पड़ता था. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन. जैसे आजकल हम फॉरेन में जाते हैं पढ़ने के लिए, बट एट दैट टाइम स्टूडेंट्स केम टू इंडिया इन नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर द हायर एजुकेशन. ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड नियर पटना. ये कहाँ पर है? नियर पटना. इट इज नियर पटना. बिहार की कैपिटल है, जो वहाँ पर है ये. और यहाँ ग्रेट लाइब्रेरी थी और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आकर स्टडीज करते थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, वर्धमान डायनेस्टी लॉस्ट इट्स ग्लोरी. एंड आफ्टर दैट स्मॉल किंगडम्स एमर्ज्ड एट दैट टाइम. एंड दोज वर चालुक्यास, पल्लवास. दे बिकेम मोर पावरफुल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वर्धमान डायनेस्टी. So this is about the Harshvardhan era. With that we have completed our whole chapter. So revise this chapter properly and prepare this for unit test. Thank you and have a nice day.